तो जब कोविड की स्थिति थोड़ा और अच्छी हुई है, सुधरी है, तो ऐसे स्थिति में पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम लगातार जो सहयोग के कार्यक्रम पिछले कंठकाल में चल रहे थे, पार्टी को चलाने का काम करेगी, जिसकी आज आदरणीय नागेंद्र जी के द्वारा शुरुआत किया गया है। और भाई साहब के मार्गदर्शन में पूरी पार्टी लगातार सहयोग के माध्यम से जनता के कल्याण के जो समस्या है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो समस्या है, बिहार की जो समस्या है, उसके निदान का प्रयास करेगी। यहाँ मंत्री प्रत्येक दिन मंत्री लोग आएंगे और सरकार से जुड़े हुए चीज़ों को भी बताने का काम करेंगे और कार्यकर्ता और पार्टी संगठन को कैसे और मजबूत किया जा सकता है उसको भी करते रहेंगे। कार्यक्रम का नाम सहयोग है, सहयोग किस तरह का किया जाएगा, किनका किया जाएगा? इसमें दो तीन चीज़ बड़ा स्पष्ट है कि पार्टी के कार्यकर्ता जिनको संगठन और सरकार से सहयोग की ज़रूरत हो, या आम लोग जिनको भी सरकार के माध्यम से और संगठन के भी कुछ पदाधिकारी इसमें बैठते हैं, तो उनको सहयोग पूरी तरह देने का काम किया जाएगा कि सरकार और संगठन पूरी तरह सकारात्मक तौर पर बिहार के विकास के लिए, बिहार को समृद्ध बनाने के लिए काम करता रहे। पीएम मटेरियल की बात कही जा रही है सर, वैकेंसी है क्या? नहीं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और किन्हीं को बनना है तो उसके लिए पहले या तो चुनाव की प्रक्रिया हो या वैकेंसी हो। अभी कोई वैकेंसी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 तक प्रधानमंत्री हैं और आगे भी अभी 10 साल तक दूसरे को इंतजार करना है किसी को प्रधानमंत्री बनना है। नीतीश कुमार में आपको झलक दिखती है पीएम? नहीं, नीतीश कुमार जी अपने पार्टी के जनता दल यूनाइटेड के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, इसमें कहाँ इश्यूज है, इसमें तो कोई इश्यूज ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के आज के तारीख में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और आगे के दिनों में भी देश के प्रधानमंत्री वही रहेंगे। जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार जी ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से जाति जनगणना को लेकर एक स्वाभाविक है। और क्या लगता है आपको कि जेडीयू प्रेशर बना रही है? देखिए, उनकी जेडीयू या नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी की बात को रख रहे हैं और अपनी बातों को रखने के लिए वो स्वतंत्र हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसलिए उनका जो वक्तव्य है, प्रधानमंत्री जी उस पर विचार करेंगे, देखेंगे क्या चीज नहीं है, क्या मांग कर रहे हैं, इन चीजों पर विचार किया जाएगा। औरंगाबाद में आपने वक्तव्य दिया कि चार सहयोगी हैं एनडीए में, इसलिए सरकार चलाने में दिक्कत हो रही है, कौन सी दिक्कतें हैं सर? नहीं, दिक्कत कहीं नहीं है। हमने ये कहा है कि चार पार्टियों के गठबंधन की सरकार और सभी चारों के चार विचारधारा, तो सब अपने अपने विचारधारा को लाना चाहते हैं, स्वाभाविक है सब अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूत करने बैठे हैं, यही मेरा दायित्व है। इसलिए पार्टी को और मजबूत करने के लिए हम सबसे नंबर वन कैसे हो, अभी 74 सीट हमें मिली है, इससे अधिक सीटें मिले तो हमको क्या दिक्कत है, ये जनता पे निर्भर है, हम संगठन को और मजबूत करेंगे। दिक्कतें हो रही है, 5 साल चलेगी सरकार? क्यों नहीं चलेगी, आप समझिए कि 1996 से आदरणीय नीतीश कुमार जी को एनडीए ने नेता माना है, 2000 में मुख्यमंत्री माना है, 2005 में मुख्यमंत्री माना, 10 में मुख्यमंत्री माना, 20 में मुख्यमंत्री चुनाव के पहले हम लोगों ने माना, इसलिए ये कहाँ मानने का, नहीं मानने का सवाल उठता है। हम पूरी तरह एनडीए के लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार चला रहे हैं और आगे के दिनों में भी मजबूती से चलाते रहेंगे। दिक्कत इस बात को लेकर भी है क्या कि 43 सीट लेकर के और आप 74 सीट हैं, फिर भी वो मुख्यमंत्री हैं, 2020 में आप 68 थे, वो 37 थे, फिर भी नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद ये वक्तव्य खुद ही दिया था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कहने पर मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि आप मुख्यमंत्री बने, तभी तो वो मुख्यमंत्री हैं, इसमें कहाँ दो मत है। ये तो प्रधानमंत्री वो खुद ही कहते हैं, नीतीश जी कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने अपनी बैठक में ये कहा कि प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूँ, इसमें कहाँ दो मत है। ये भाजपा पूरी तरह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार चलाने का काम करेगी।